हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीजन थे मेरे जिस वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियोस। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके कंपनीज मतलब जो मोस्टली कंपनीज में जॉब करते हैं वो एक प्रकार से ये प्रोजेक्ट होता है आपका कि आप कोई वेब सर्वर बनाते हो, तो जो वेब सर्वर बनाते हो आप उसको ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर दोनों चीज़ों पर कन्फिगर करना है। मतलब आपका लोड भी बैलेंस रहे और आपका वो ऑटो स्केलिंग भी काम करे। तो ये दोनों चीजें आप वेब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर के साथ, तो आज के वीडियो में वो चीज कवर करने वाले हैं। अभी डेमो के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक विंडोज इंस्टेंस क्रिएट किया है जिसके ऊपर मैंने वेब सर्वर की सर्विस को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेब सर्वर के नाम से इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे मैं अगर इसका पब्लिक आईपी लेके कॉपी करके ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वेब सर्वर एक्सेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो मैंने वहाँ पे कस्टम फॉन्ट चेंज कर रखा है, जो बाय डिफॉल्ट आपका पेज होता है उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है और वहाँ पे लिखा है माय कस्टम वेब सर्वर फॉर टेस्टिंग ऑटो लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। ठीक है, अब मैं ये जो मेरा सर्वर है इस सर्वर की क्या करूंगा, मैं इस सर्वर की AMI क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो AMI कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं पता है तो आज हम दोबारा से क्रिएट करके देखेंगे उसको। तो आप अपने वेब सर्वर को सिलेक्ट करोगे जिसकी आपको AMI क्रिएट करनी है और आप एक्शन में जाओगे। एक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट्स का ऑप्शन देता है, इमेज और टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट इमेज का ऑप्शन शो करता है। क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे इमेज का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे कस्टम AMI फॉर वेब सर्वर। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देता हूँ। नो रिबूट, रिबूट की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता रिबूट करना उसको। यहाँ पे ऐड वॉल्यूम्स, अगर आप कोई और वॉल्यूम भी ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे आपका जो AMI क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज वो डिफॉल्ट 30 GB का एक वॉल्यूम करेगा जो आपका रूट वॉल्यूम अटैच्ड है करंट सर्वर के। टैग वगैरह हमने अभी कोई नहीं डालना है तो मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ और क्रिएट इमेज करते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी इंस्टेंस रनिंग है और ये आपका यहाँ पे जो टर्मिनेटेड है वो टर्मिनेटेड भी शो कर रहा है, बट मेरी जो रनिंग वाली है इसके ऊपर मैंने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पे आपको इमेज शो कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपको AMI के अंदर लेके चला जाएगा इमेजेस के अंदर और यहाँ पे आपका ये इमेज जो हमने क्रिएट किया है उसको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको इमेज का नाम शो कर रहा है, प्राइवेट है, अभी स्टेटस क्या है पेंडिंग है, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेता है इसको क्रिएट होने में। एक बार रिफ्रेश करते हैं हम इसको दोबारा से और अभी भी ये पेंडिंग में है आपका, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। जैसे आपका यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करेंगे लोड बैलेंसिंग के साथ। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए मेरी AMI सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आपको यहाँ पे अगर स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल शो कर रहा है। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, हमारी AMI सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, हमें अभी अगर आप EC2 इंस्टेंस के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन देते हैं ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर का। पहले आपको मिल रहा ऑप्शन यहाँ पे लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप, अगर मतलब लोड बैलेंसर पहले आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप पहले लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो और या फिर ऑटो स्केलिंग आप ग्रुप पहले क्रिएट करना चाहते हो और बाद में आप लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप लोड ऑटो स्केलिंग जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में ही आपको ऑटो लोड बैलेंसर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, तो वो अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ऑटो स्केलिंग क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप और जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप होगा हमारा उसके साथ में ही हम अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। हम अलग से लोड बैलेंसर क्रिएट करके उसको नहीं ऐड कर रहे, अभी मैं ऑटो स्केलिंग क्रिएट करूंगा और उसके साथ में ही लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं भी यहाँ पे पहले आपको लोड बैलेंसर पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मेरे पास अभी आपको नो लोड बैलेंसर शो कर रहा है, टारगेट ग्रुप में आप देखते हो तो टारगेट ग्रुप में भी कुछ नहीं है और ऑटो स्केलिंग के अंदर जाते हो तो ऑटो स्केलिंग के अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करूंगा और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ आपको यहाँ पे लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप भी ऑटोमेटिक क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले लोड बैलेंसर क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर मैं ऑटो स्केलिंग के अंदर उसको ऐड करके दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग भी क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे और ऑटो स्केलिंग क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे आपको 6-7 ऑप्शन देता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 लास्ट ऑप्शन आपको रिव्यू के लिए देता है और क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका, आपको जो आप लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो ऑटो
ठीक है। उसके बाद जो ऑटो स्केलिंग आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पहले आपको सिर्फ यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्रिएट करने का ऑप्शन देता था, बट अभी आपको लॉन्च टेम्पलेट और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन दोनों ऑप्शन देता है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सी यूज करनी है आपको। अगर लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट, अगर आपने पहले से कोई लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है तो आप वो लॉन्च टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपने लॉन्च टेम्पलेट पहले से कोई नहीं क्रिएट कर रखा तो आप यहाँ पे क्रिएट ए लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आपने कोई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पहले से ऐड कर रखा है तो आप यहाँ पे स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी कीजिए और यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को ब्राउज कर लीजिए। नहीं कर रखा है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी तो आप यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी साथ के साथ क्रिएट कर सकते हो। बट आज जो हम सर्वर क्रिएट, हम ऑटो स्केलिंग क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे हम लॉन्च टेम्पलेट के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्विच टू लॉन्च टेम्पलेट पे वापस और क्रिएट करते हैं हम लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्च टेम्पलेट जो हम क्रिएट करते हैं उसका पर्पज क्या होता है। उसका पर्पज होता है कि जो चीजें हम कर रहे हैं, जो मतलब हम AMI सेलेक्ट करेंगे, जो हम सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ रखेंगे, जो हम की वगैरह सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें आपको लॉन्च टेम्पलेट के अंदर पूछता है। तो लॉन्च टेम्पलेट में क्या क्या चीजें पूछता हूँ मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपसे लॉन्च टेम्पलेट का नाम पूछता है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टम QNF मतलब कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे टेम्पलेट का वर्जन आप डालना चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में, तो मैं सेम डाल देता हूँ कुछ भी अब यहाँ पे, ठीक है। ऑटो स्केलिंग गाइडेंस आप यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, और नेक्स्ट पूछता आपसे टेम्पलेट टैग सोर्स टेम्पलेट आप यहाँ पे कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। और प्रोवाइडिंग गाइडेंस के लिए कह रहा है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने आप क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस, ओएस इमेजेस मतलब AMI अमेजोन मशीन मशीन इमेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है माई AMI के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मैंने एक इमेज क्रिएट की है मैं वो AMI यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, और वहां पे आपको सेलेक्ट करना है ऑन बाई मी। ऑन बाई मी करेंगे तो उसके बाद जो जो इमेजेस आपने क्रिएट की हुई है अपने आप, कंपनीज इन्वायरमेंट में बहुत सारी AMI हो सकती है बट अभी मैंने एक ही इमेज क्रिएट कर रखी है, तो उस इमेज का नाम आपको यहाँ पे शो करता है। तो मैं बाय डिफॉल्ट आपका वो सिलेक्टेड है, और अगर वो बहुत सारी AMI आपको यहाँ पे शो करता है तो आप ब्राउज करके उस AMI को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके साथ आपको ये सर्वर लॉन्च करना है। तो मेरा जो ये वेब सर्वर है इसके साथ मैं यहाँ पे अपनी लॉन्च टेम्पलेट कन्फिगर करूंगा। तो मैं यहाँ पे मेरी AMI सिलेक्टेड है, यहाँ पे विंडोज सर्वर की पेयर में सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप पूछता है पहले आपसे, इंस्टेंस टाइप में आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हो वो ले सकते हो, आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं अभी डिफॉल्ट T2 माइक्रो ले रहा हूँ क्योंकि ये फ्री टीयर है, अगर आप कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। उसके बाद की पेयर, अगर आप की पेयर नया क्रिएट करना चाहते हो तो नया भी क्रिएट कर सकते हो, और आप पुराना कोई यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पुराना ही ले लेता हूँ वेब सर्वर। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने वेब सर्वर के नाम से ही क्रिएट किया है ना की पेयर मेरा, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा हुआ है मेरा वेब सर्वर, डबल आ रहा है लास्ट में, तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ डबल आ रही है ना इसमें, नहीं इसमें सिंगल आ रहा है, तो ये नहीं है मेरे की वेब सर्वर, करेक्ट वेब सर्वर SRVRR, तो ये वाला मेरा की पेयर है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज कर सकते हो और आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर एग्जिस्टिंग यूज करना है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सर्च कर सकते हो, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपकी जो इंस्टेंस के ऊपर पहले सिक्योरिटी ग्रुप चल रहा है आप वो सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 12 चल रहा है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ब्राउज करने में ईजी रहे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ तो मेरा ये आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरा पोर्ट RDP और आपका HTTP पोर्ट बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाएगा। स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सेम रखना चाहता हूँ, अगर आप कोई अलग से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टैग आपको डालना है तो आप टैग डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए और क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये मेरी लॉन्च टेम्पलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। आप डिटेल रिव्यू करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो अपने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस जाना अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे आपको अभी अगर आप चेक करते हो तो आपको नहीं शो करेगा कुछ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश का बटन जो आपको शो कर रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एरो क्लिक पे क्लिक करोगे तो आपको कस्टम कॉन्फ के नाम से जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया वो शो कर देगा, तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको सारी की सारी डिफॉल्ट डिटेल जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट की वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो इसको हम रहने देते हैं डिफॉल्ट ऐसे की, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद पूछता आपसे VPC,
कि किस वीपीसी के अंदर आप ये क्रिएट करना चाहते हो। वीपीसी आपका मैंने अभी डिफॉल्ट किया हुआ है, अगर आपने कोई कस्टम वीपीसी यूज कर रखा है तो आप कस्टम वीपीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर नया वीपीसी क्रिएट करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी लेता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ जो जो मेरे पास अभी है, और नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको इसकी T2 माइक्रो मतलब जो इंस्टेंस टाइप है उसको चेंज करना है तो यहाँ पे ओवरराइड लॉन्च टेम्पलेट पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, बट अभी मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ तो डिफॉल्ट के साथ हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको लोड बैलेंसिंग साथ में कन्फिगर करनी है, तो अगर लोड बैलेंसिंग साथ में कन्फिगर करनी है तो अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग में फर्स्ट ऑप्शन होता है नो लोड बैलेंसर, मतलब आपको अगर विदाउट लोड बैलेंसर के ऑटो स्केलिंग कन्फिगर करना है तो आप नो लोड बैलेंसर कर दीजिए। और अगर पहले से आपने कोई लोड बैलेंसर क्रिएट कर रखा है तो अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप नया लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो तो अटैच टू ए न्यू लोड बैलेंसर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे साथ के साथ कुछ स्टेप बोलेगा क्रिएट करने के लिए, तो अभी हम थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर को कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे अटैच टू ए न्यू लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेता हूँ, नाम आपका डेमो ऑटो स्केलिंग 1 के नाम से ये ले लेगा। तो अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करना चाहो तो लोड बैलेंसर का नाम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आप डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो रख सकते हो। नेक्स्ट लोड बैलेंसर स्कीम, कि आपको जो लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो आप इंटरनल क्रिएट करना चाहते हो या इंटरनेट फेसिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब होता है जब आपको आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के एक्सेस करना होता है, मतलब जैसे मैं अभी मुंबई रीजन के अंदर मैंने एक डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट कर, उस वीपीसी के अंदर जितने भी आप सर्वर क्रिएट करते हो उन सर्वर से आप सिर्फ उस लोड बैलेंसर को एक्सेस कर सकते, तो उसके लिए आपका होता है इंटरनल लोड बैलेंसर, तो मतलब हम इनसाइड अपनी कंपनी के एक्सेस करते हैं। इंटरनेट फेसिंग का मतलब होता है कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी किसी भी जगह पे जाओ आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो अभी हम इंटरनेट फेसिंग के साथ इसको क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे नेटवर्क मैपिंग पूछ रहा है, डिफॉल्ट आपका वीपीसी ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, सबनेट हमने जो जो सेलेक्ट करके वो सारे यहाँ पे पिक करेगा। टारगेट ग्रुप लिसनिंग और राउटिंग, जो आपको ये पोर्ट 80 पे ही आपका वो करता है डिफॉल्ट आपका जो लोड बैलेंसर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट 80 हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आती है मेन चीज आपका डिफॉल्ट सेलेक्ट न्यू और एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप, अगर आपके पास टारगेट ग्रुप नहीं है तो आप यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्रिएट करोगे, और अगर आपके पास है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई टारगेट ग्रुप नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए टारगेट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डेमो ऑटो स्केलिंग 1 के नाम से एक ये ऑटोमेटिक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हेल्थ चेकअप आता है, हेल्थ चेक में मतलब आप जो ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर रहे हो उसका हेल्थ चेकअप के लिए कि इसको इनेबल रखना चाहते हो तो ऑलवेज इनेबल पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप उसको डिफॉल्ट सेटिंग रख सकते हो। हेल्थ चेकअप कितने सेकंड के अंदर वो पीरियड को उसको चेक करेगा। मॉनिटरिंग इनेबल करनी है तो आप इनेबल कर सकते हो, तो ये सारी सेटिंग है आपकी एक्सटर्नल है, अगर आपको इनेबल करना चाहते हो तो जो भी चीजें आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे डिफॉल्ट चलता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, ये फीचर है आपका ऑटो स्केलिंग का। लोड बैलेंसर हमने कन्फिगर कर दिया है, इतना ही काम होता है लोड बैलेंसिंग का हमारा यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका जो ऑटो स्केलिंग का पार्ट, कि आपकी जो ऑटो स्केलिंग आप कन्फिगर कर रहे हो उसमें जो सर्वर लॉन्च होंगे वो कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, डिजायर कितने होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने तक क्रिएट कर सके ऑटो स्केलिंग। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप डिजायर वैल्यू रख सकते हो, अगर आपने डिजायर वैल्यू 2 रख दिया और मिनिमम आपने कैपेसिटी 3 से स्टार्ट किया है तो ये आपका नहीं लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लेता हूँ मैं 5 और डिजायर वैल्यू में यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये आपको एरर दे देगा जब आप यहाँ पे क्रिएट करो। तो वो क्या बोलेगा आपको कि आपकी जो डिजायर वैल्यू है वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, स्पेसिफाई द साइज ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप बाय चेंजिंग द डिजायर कैपेसिटी, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट, योर डिजायर कैपेसिटी मस्ट बी विद इन द लिमिट रेंज। तो मतलब इनके दोनों की रेंज में होनी चाहिए आपके, आप यहाँ पे 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, बट 2 और 5 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का मतलब है कि मेरे मिनिमम 2 सर्वर लॉन्च करे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और मैक्सिमम जब मेरा सीपी यूटिलाइजेशन जाए तो वो मैक्सिमम 5 सर्वर तक चला जाए। अगर आप यहाँ पे 10 कर देते हो तो वो 10 सर्वर तक लॉन्च करता जाएगा जब तक आपका सीपी यूटिलाइजेशन आ ही जाएगा। जैसे ही आपका सीपी यूटिलाइजेशन नॉर्मल आ जाएगा तो वो फिर आपके सीपीयू को मतलब नॉर्मल लेता है। तो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ
और मिनिमम टू। तो अभी मैं इसी टू इंस्टेंस में आपको एक बार जाके दिखाता हूँ। तो मेरे यहाँ पे एक ही सर्वर लॉन्च है जो आपका ये है, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ टर्मिनेट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इजिली। तो मैं इसको भी टर्मिनेट कर दिया मैंने, अभी मेरे पास कोई भी रनिंग सर्वर नहीं है। फोटो स्केलिंग के अंदर जाते हैं, उसके बाद स्केलिंग पॉलिसी, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटो स्केलिंग का। स्केलिंग पॉलिसी मतलब कि मेरा कितने परसेंट सीपीयू यूटिलाइजेशन चला जाए, वो डिपेंड करता है आप की स्केलिंग पॉलिसी डिफाइन किस टाइप में करते हो। नेटवर्क पे करते हो जो मेरा नेटवर्क इन आउट होता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग करते हो, या फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग करते हो। तो मैं अभी एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा हूँ, मैक्सिमम सभी यही रिकमेंड करते हैं क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन ईजी होता है आइडेंटिफाई करना। इन और नेटवर्क इन और आउट में आपको अगर चेक करना है तो फिर आपको उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि नेटवर्क इन और आउट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। बट सीपीयू यूटिलाइजेशन आपको पता है कि मेरा 50% चला जा रहा है, तो उसके ऊपर वो एक नया सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, सिलेक्ट करता हूँ। टारगेट वैल्यू क्या है कि कितनी होनी चाहिए, मतलब मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे ही 50% से ऊपर जाए तो वो क्या करे, एक नया सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो जैसे ही एक नया सर्वर क्रिएट करेगा तो आपका वो यूटिलाइजेशन आपका नॉर्मल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो सर्वर की यूटिलाइजेशन है वो आपकी डिवाइड होती रहेगी सर्वर्स के ऊपर, 50% से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जो लोड बैलेंसर काम करेगा वो आपका जो ट्रैफिक होगा, एक ट्रैफिक को आपके एक सर्वर पे भेजेगा, दूसरा जो हिट आएगा आपके सर्वर के ऊपर वो दूसरे सर्वर पे भेजेगा, वो लोड को बैलेंस करता है। यहाँ पे इंस्टेंस नहीं, ये कह रहा है कि आपके कितने इंस्टेंस, सेकंड वार्म अप बिफोर इंक्लूडिंग इन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इंस्टेंस नीड कह रहा है कि कितने देर में आपको लॉन्च होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 सेकंड वार्म अप। ठीक है, डिसेबल स्केल इन क्रिएट ओनली ए स्केल आउट पॉलिसी। ठीक है, ये कह रहा है कि स्केल इन पॉलिसी को डिसेबल कर दे, सिर्फ स्केल आउट पॉलिसी यहाँ पे इनेबल कर। तो स्केल आउट का मतलब होता है कि वो सर्वर क्रिएट कर दे, स्केल इन का मतलब होता है कि वो सर्वर को डिलीट कर दे। इंस्टेंट स्केल इन प्रोटेक्शन आप यहाँ पे रखना चाहते हो प्रोटेक्शन, तो अदरवाइज यहाँ पे इसको डिफॉल्ट नेक्स्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। लास्ट में आपसे टैग पूछता है, तो टैग मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सारी सेटिंग आपसे रिव्यू करने के लिए बोलते हैं, जो जो सेटिंग हमने सेलेक्ट की है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अभी क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करते हैं। तो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी एक क्या कह रहा है कि स्टेटस अपडेटिंग कैपेसिटी, डिजायर कैपेसिटी आपकी 2 है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 5 है। तो मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अपडेटिंग कैपेसिटी अभी आ रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ। तो इंस्टेंस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे अभी आपको क्या कह रहा है कि आपकी पेंडिंग है, मतलब एक नया सर्वर लॉन्च हो रहा है, दूसरा नया सर्वर ये लॉन्च हो रहा है यहाँ पे। जो ये दो सर्वर लॉन्च हो रहे हैं, ये दोनों सर्वर लॉन्च हो रहे हैं आपके ऑटो स्केलिंग की वजह से। ठीक है, दोनों को हम एक बार हम रेडी होने देते हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे ऑटो स्केलिंग मेरा ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्टेंस देखिए, इसने पहले अपडेट कैपेसिटी आ रहा था यहाँ पे, अभी 2 इंस्टेंस ने बता दिया कि अभी 2 इंस्टेंस रन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम और डिजायर कैपेसिटी 2 रखी है, तो मिनिमम 2 सर्वर वो लॉन्च करेगा, मैक्सिमम 5 सर्वर तक वो जाएगा जब हम उसको लोड आपका सर्वर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब आपने ये चेक कर लिया। अब दूसरी चीज, यहाँ पे आपके सर्वर भी लॉन्च हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर जाता हूँ, तो लोड बैलेंसर के अंदर जाने के बाद आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हो, तो आप देखोगे कि आपका लोड बैलेंसर है जो अभी प्रोविजनिंग स्टेट में है, बट यहाँ पे ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन दिखा रहा है और यहाँ पे आपका नाम आ रहा है डेमोज ऑटो स्केलिंग 1। और जब हमने पहले यहाँ पे चेक किया था तो कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं था, आपका लोड बैलेंसर नहीं था, कोई टारगेट ग्रुप क्रिएटेड नहीं था। बट अभी हमने क्या किया, जब हमने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन की है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे साथ के साथ हमने ऑटो स्केलिंग के साथ लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर दिया। अब आपकी बारी आती है जो आपको सर्वर से एक्सेस करने है, जो आपको आपका वेब सर्वर एक्सेस करना है, वो वेब सर्वर आपको एक्सेस करना है आपकी लोड बैलेंसर के थ्रू, ना कि आपको डायरेक्ट सर्वर को एक्सेस करना है। नहीं, आप अपने लोड बैलेंसर के थ्रू उसको एक्सेस करोगे, और लोड बैलेंसर के थ्रू जब आप एक्सेस करोगे तो आपको मतलब जो यूजर उसको एक्सेस करता है तो उसको नहीं पता चलता कि मेरे कौन से सर्वर रन हो रहे हैं, उनके ऊपर आईपी क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम को एनएस लुकअप भी करता है, तो वो आपको एनएस लुकअप में आपका आईपी जो होगा वो आपके लोड बैलेंसर का शो करेगा, ना कि आपके जो सर्वर रन हो रहे होंगे बैकएंड में उन सर्वर की डिटेल शो करेगा। तो मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब के अंदर इंस्टेंस को भी ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ रनिंग वाले उस पे। ठीक है, मेरे 2 सर्वर यहाँ पे रनिंग हो रहे हैं, मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे।
पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं एक बार और ट्राई करते हैं ब्राउजर में एक्सेस हो रहा है क्या वो वेब पेज जो हमने पुराने वाले सर्वर पे किया था। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट होम पेज एक्सेस हो रहा है जो मतलब मैंने कस्टम वेब सर्वर क्रिएट कर रखा था। क्यों? क्योंकि मैंने एक एएमआई यूज की है दोनों के लिए, तो मैं दूसरे वाले सर्वर का आईपी भी यूज करके ट्राई कर लेता हूँ। तो इसका मैं आईपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे न्यू टैब के अंदर और इसका भी आपको सेम पेज एक्सेस होगा। आईपी दोनों के डिफरेंट है और आपको पेज एक ही एक्सेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर किया है और उसके अंदर जो मैंने एएमआई यूज की है मेरी एक ही सर्वर की है, तो मेरा एक ही सर्वर यूज हो रहा है बैकएंड पे, जो मेरा एप्लीकेशन है जो मेरी एक ही यूज हो रही है और सर्वर दो लॉन्च हो रखे हैं क्योंकि मैंने अपने दो मिनिमम दो सर्वर की कैपेसिटी रखी। अब अगर मैं यही सर्वर यही काम मेरे लोड बैलेंसर के थ्रू करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे अपने लोड बैलेंसर के अंदर जाता हूँ और अपने लोड बैलेंसर का जो डीएनएस नेम है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, डीएनएस नेम को कॉपी करता हूँ। अब मैं सर्वर को इनको जो मेरे मतलब बाहर के बंदे होते हैं जो उनको मैं यहाँ पे दूंगा, तो उनको मैं अपने सर्वर के आईपी नहीं दूंगा, नहीं सर्वर का डीएनएस नेम नहीं दूंगा, नहीं उनको मैं अपने डीएनएस का नाम जो मेरा लोड बैलेंसर है उनका नाम दूंगा। या फिर कंपनी में क्या होता है मोस्टली आप अपने जो लोड बैलेंसर होता है उसका रूट 53 नेम चेंज कर देते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपको पता है कि आप google.com एक्सेस करते हो, yahoo.com एक्सेस करते हो, facebook.com एक्सेस करते हो, ये आप उनका रूट 53 नेम एक्सेस करते हो, डीएनएस नेम एक्सेस करते हो, बट बैकएंड पे कौन सा सर्वर यूज हो रहा है तो कितने सर्वर यूज हो रहे हैं वो आपको नहीं पता होता। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, अभी जो ये डीएनएस नेम मैं यूज कर रहा हूँ ये डिफॉल्ट डीएनएस नेम है मेरा लोड बैलेंसर के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट 53 के अंदर कुछ कन्फिगर नहीं किया है, ये डिफॉल्ट डीएनएस नेम है। इसको चाहूँ तो मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ डीएनएस अपनी रूट 53 के थ्रू और उसके बाद मैं उस नाम के थ्रू मैं इस सर्वर को एक्सेस डीएनएस नेम अपने लोड बैलेंसर को एक्सेस करूंगा, तो मुझे मेरा वेब सर्वर एक्सेस होगा और उस वेब सर्वर के अंदर क्या एक्सेस होगा मुझे वो मेरे वेब सर्वर की जो मेरी एप्लीकेशन उस पर रन हो रही होती है वो एप्लीकेशन उस पर रन हो रही होती है। तो अभी आपको ये पता है कि मैं अपने लोड बैलेंसर के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मैं एक्सेस कर रहा हूँ बैकएंड पे कौन कौन से सर्वर चल रहे हैं मुझे पता है, बट जो बाहर से कोई बंदा जो मेरे लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा तो उसको मेरे सर्वर्स के आईपी की डिटेल्स नहीं पता होता, वो सिर्फ आपको आपके लोड बैलेंसर के आईपी के थ्रू या फिर होस्ट नेम के थ्रू जानता है। ठीक है, अब बैकएंड पे तो ये आईपी रन हो रहे हैं। अब दूसरी चीज होती है कि अगर आपने इसको कस्टमाइज कर दिया तो कस्टमाइज कर दिया तो आपका काम करेगा। सेकंड चीज आती है, अगर आपने ठीक है सेकंड चीज होती है कि मान लो आपने यहाँ पे जैसे लोड बैलेंसिंग हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है, अब मान लो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका चाहे 50% से ऊपर चला जाता है, तो अभी जो ये दो सर्वर यहाँ पे शो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक और नया सर्वर को लॉन्च करके दे देंगे। थर्ड चीज क्या होगी, आपने जो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करते हो तो लोड बैलेंसर क्या करता है, आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है आपके एक सर्वर पे, सेकेंड टाइम कोई दूसरा बंदा हिट करता है आपके लोड बैलेंसर को तो दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, फिर कोई दूसरा सर्वर बंदा हिट करता है तो आपके पहले वाले सर्वर पे जाएगी, तो वो लोड को भी बैलेंस करता है एक बार एक सर्वर पे, दूसरी बार दूसरे सर्वर पे, तीसरी बार पहले वाले सर्वर पे, फिर दूसरे सर्वर पे, तो वो इस तरीके से ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर करता है आपके सर्वर्स के ऊपर। तो ये इजी कंसेप्ट है कि हम लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग एक साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं AWS के अंदर, और ये एक टाइप का प्रोजेक्ट भी होता है जब आप कंपनीज में काम करते हो तो कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर हो जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, फिर हम ऑटो स्केलिंग क्रिएट करेंगे और AMI हम ऐसे ही यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ये यूज किया। तो होप आपके जो भी डाउट्स रहते हैं ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर के बारे में वो सारे क्लियर हैं। अगर अभी भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अभी मैं कुछ टाइम के लिए सेशन कंटिन्यू रखने वाला हूँ, ऑलमोस्ट मेरे AWS के बहुत सारे मैं अराउंड 70+ में ऑलरेडी सेशन अपलोड कर चुका हूँ और 2-4-5 जो भी मैं करता, ऐसा नहीं है कि मुझे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के ही वीडियो बनाने। कंपनीज में जो लाइव इन्वायरमेंट में काम करते हैं बंदे, जो लाइव इश्यूज आते हैं वो सारे मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ टेराफॉर्म में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दोबारा से अपलोड करके दूँ और उसके ऊपर हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आज पहले हम लोड बैलेंसिंग आप एक बार ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग एक साथ कॉन्फ़िगर करके देख लीजिए, कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि मैं 0 से उठ के मतलब 4,000 सब्सक्राइबर तक, हाँ ठीक है थोड़ी कम है 2 साल के 3 साल के अंदर, बट जैसे मैं गैप देता रहता हूँ बीच में वीडियोज के अंदर उसकी वजह से थोड़ा सा ये इशू रहता ही है क्योंकि लोग एक्टिव चीजों पे ज्यादा जाते हैं, एक्टिव चैनल्स पे ज्यादा रहते हैं। तो मैं भी कंटिन्यू ट्राई करूंगा कि मैं एक्टिव रहूँ, चैनल
चैनल के ऊपर आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, कोई इश्यू आता है तो आप लोग। और आज के लिए दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।